कल से ही बर्तन बेच रहा हूँ हर एक माल गाँव में, और मैं कल इसी सोच में वीडियो नहीं बनाया कि मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ भी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम नितेश है और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हूँ एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों, आज डेट है 4 मार्च, दिन है मंगलवार। दोस्तों, अभी दिन का 10:34 हो रहा है और मैं अभी हूँ नेपाल के उस गांव में। दोस्तों, जिस गांव में प्लेन क्रैश हुआ था वही वो जगह है दोस्तों, जहाँ पे कि प्लेन क्रैश हुआ था। और दोस्तों, मैं कल वीडियो नहीं बनाया और दोस्तों मैं कल वीडियो नहीं बना पाया इसका मेन वजह है मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम था कि क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, मुझे पता है कि सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, लेकिन फिर भी वही समस्या था मेरे साथ कि लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी सब कुछ मेरे बारे में जानते हैं, पारिवारिक स्थिति दयनीय होने के कारण पढ़ाई छूटी, उसके बाद मैं 2015 में गया दिल्ली में, मकान में लेबर में काम किया। उसके बाद 2016 में मैं बेंगलोर गया और 2016 से अभी तक मैं बेंगलोर में ही हेलो बोलो कंपनी में काम करता रहा। और मैंने YouTube पर वीडियो बनाने का सोच रहा था बहुत दिन से, लेकिन फाइनली जनवरी 2023 में मैं स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना और डेली वीडियो बनाता रहा, डालता रहा। और मैं सोचा कि मैं बेंगलोर जाऊंगा, अच्छी अच्छी जगह है दिखाऊंगा तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो मैं हेलो ब्लॉग काम छोड़कर मैं गया 7 फरवरी को बेंगलोर। और दोस्तों, मैं बेंगलोर पहुंचा शाम को और एक रात रुका, उसके बाद सुबह हमें मेरी दीदी का डेथ हो गया। और दोस्तों, फिर वहां से मुझे घर आना पड़ा और मेरे क्या बोलूं दोस्तों, तभी से अपने चकनाचूर हो गए। दोस्तों, मेरे दीदी के जाने के बाद दोस्तों मैं पूरी तरह से टूट गया। मैं तो 10-15 दिन शोक में ही था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपने आप को संभाला और फिर वीडियो बनाना शुरू किया और वीडियो बनाता रहा। और आप लोग जानते हैं दोस्तों मेरे घर की स्थिति, पैसा तो कमाना पड़ेगा। और मैं अभी आया हूँ पोखरा में, तो आप लोगों को मैं जब आया, जब आप लोग मेरा फर्स्ट ब्लॉग देखे होंगे नेपाल, इंडिया टू नेपाल। तो दोस्तों, मैं आया हूँ पोखरा में और मैं क्या किया कि एक हफ्ता घूमा फिरा, देखा समझा, और उसके बाद मैंने फाइनली एक काम कर रहा हूँ अभी, और जो होता है ना प्लास्टिक का भाड़ा उधर में साइकिल से वही बेच रहा हूँ गांव में घुमाकर। और यही कल सोच रहा था मैं वीडियो में दिखाऊं कि ना दिखाऊं, लेकिन आप लोगों से कहाँ कुछ छुपा है, सब कुछ दिखा दिए हैं, घर कैसा है, मेरी औकात क्या है, तो एक क्यों छुपाना। फाइनली देखिए, यहीं भाड़ा बेचते हैं हम। दोस्तों, सभी प्लास्टिक का भाड़ा है हर एक माल। दोस्तों, क्योंकि अभी मुझे भाषा मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं सभी एक दाम का सामान है वो बेच रहा हूँ गांव में हिंदी बोलकर। तो यही है बस, आए हैं गांव में और अभी जाएंगे अंदर गांव में, देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है, कैसे वीडियो बना पाते हैं। तो हम आप लोगों से मिलेंगे वीडियो में आगे। तो दोस्तों, अभी शाम हो गया है, टाइम हो रहा है 6:15 और दोस्तों मैं फाइनली गाँव घूम कर अपना जो ये सामान है वो बेच कर मैं आ गया हूँ अभी अपने रूम के बगल में। मेरे रूम के बगल में एक चौक है, उत्तम चौक, मैं अभी यहीं पे रुका हूँ और ये रुकूँगा और उसके बाद जाऊँगा अपने रूम में। और दोस्तों, मैंने अपना सेविंग कर लिया हूँ, तो कैसा लग रहा हूँ आप लोग कमेंट में बताइए।
और दोस्तों कल से ही बर्तन बेच रहा हूँ हर एक माल गाँव में, और मैं कल इसी सोच में वीडियो नहीं बनाया कि मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं छुपाया हूँ मैं, तो एक क्यों छुपाऊँ, मैंने भी बहुत सोचने समझने के बाद मैं अपनी लाइफ में जो करूँगा जहाँ जाऊँगा वही चीज़ ना दिखाऊँगा दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता। और दोस्तों मैंने कल एक दिन वीडियो नहीं बनाया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपना बहुत ही कीमती चीज़ खो दिया है। तो दोस्तों जैसे भी हालात हो पर डे वीडियो देखते हैं क्या होता है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, मेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना, मैं तो कर्म करूँगा डेली एक वीडियो चाहे जैसे भी हालात हो डालूँगा डालूँगा। दोस्तों अगले ब्लॉग में बाय, जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव।